हेलो फ्रेंड्स, ये है मारुति आल्टो। फ्रेंड्स, ये जो गाड़ी में है गियर का प्रॉब्लम आ रहा है। गाड़ी में जो है कोई भी गियर नहीं पड़ रहा, देख सकते होंगे। गाड़ी जो है फोर्थ या थर्ड गियर में हो, लॉक पड़ चुकी है। एक्चुअली खाली मूविंग में आपको गाड़ी थोड़ी मूविंग हो रही है। गाड़ी न्यूट्रल रिवर्स कुछ नहीं पड़ रहा है गाड़ी में, तो देख सकते होंगे आप। जो नेक्स्ट हम गाड़ी के नीचे जाके आपको देखेंगे नीचे क्या गैली और मोटी कट हुआ है या गैली और शाफ्ट हुआ है। नेक्स्ट चलो गाड़ी के नीचे चलते हैं। हम देख सकते होंगे कोई भी गियर जो है नहीं पड़ रहा है इसमें। तो नेक्स्ट हम गाड़ी के नीचे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, गाड़ी के नीचे हम आ चुके हैं। अब देख सकते हैं ये भी इसकी गियर लीवर की माउंटिंग। यहाँ पर देख सकते होंगे आप गियर लीवर माउंटिंग कहीं से भी इसकी जो कट है, इसमें जो बेडिंग होती है, देख सकते हैं बेडिंग कट हुई, कुछ कट नहीं हुआ इसमें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दो इसके गैली और रॉड होते हैं, एक गियर ही। यहाँ से आप ऑपरेट करेंगे तो देख सकते हैं आप कुछ भी वर्किंग नहीं हो रहा इसमें। जैसे आप गियर डालेंगे कट कट करके ऐसा शिफ्टिंग होना होगा, इसमें जो है कुछ भी नहीं ले रहा है। देख सकते हैं आप गियर लिवर पर यहाँ से स्विंग कर रहा हूँ, पर देख सकते हैं वहाँ पर कुछ भी ऑपरेट नहीं हो रहा है। बस रॉड जो है सामने पीछे वर्क हो रही होता है। नेक्स्ट टाइम जिसके जो शॉफ्ट होता है, शॉफ्ट गियर बॉक्स के अंदर कट हुआ रहेगा। इस टाइम ऐसे खोलेंगे, ऐसे खोल के जो नट इसको निकालेंगे, ये जो आप देख सकते हैं इस नट को निकालेंगे। निकालने के बाद जो है गियर बॉक्स को ड्रे करके सेट की यहाँ पे की एक प्लेट आएगी। इस प्लेट को तीनों बोल्ट को 10 mm के 3 बोल्ट आएंगे। प्लेट को खोलेंगे हम, चेक करेंगे शॉफ्ट को, जो पहले यहाँ से है निकालेंगे, ऑयल ड्रे करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्केल लीवर को जो है शॉफ्ट में से निकाल चुके हैं। ये जो शॉफ्ट है आपको आपको हम सामने पीछे वर्किंग करेंगे तो ये कुछ भी शॉफ्टिंग वर्क नहीं हो रहा है। ये फ्रेंड्स देख सकते हैं इसका जो शॉफ्ट है कट हो चुका है, इसलिए जो कोसा गियर भी जो है ऑपरेट नहीं हो रहा है इसमें। शाफ्ट को चेंज करने के लिए कुछ लोग गियर बॉक्स भी खोल देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे तो साइड की जो प्लेट है इस प्लेट को खोलेंगे। इस प्लेट को ऑयल ऑलरेडी ड्रे कर चुका हूँ मैं, सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जो 3 बोल्ट करके प्लेट को जो है निकालेंगे। प्लेट को निकालने के बाद जो है शाफ्ट का एक यहाँ पे एक बोल्ट आएगा, थोड़ा काफ़ी कंजिस्टेंट एरिया है अंदर खोलने के लिए, फिर भी ट्राई करके हम खोलेंगे इसको। शाफ्ट का जो इसकी आधा शाफ्ट हुआ है कट्ठो के जिसमें है गियर बॉक्स में खोलेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम इस प्लेट को बाहर निकालेंगे तीनों बोल्ट खोल के। अब देख सकते हैं शाफ्ट जो है कट्ठो ने इसी रीज़न से जो है गाड़ी गियर वर्क नहीं करा है कोई से भी। एक चीज़ जो गियर हम शिफ्ट करें तो खाली ये आगे पीछे हो रहा है इतना ही, अंदर गियर बॉक्स में कुछ भी वर्किंग नहीं हो रहा था। ये जो नेक्स्ट टाइम तीनों बोल्ट खोल के जो प्लेट है निकालेंगे अंदर का आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते होंगे इस प्लेट को खुलने के बाद आप जो अंदर है इसका जो शाफ्ट कट हुआ है उसका एक बॉल्स भी आप देख सकते होंगे। वहाँ पे बॉल्स एक उधर एक है, उसका बॉल्स है जो शाफ्ट है अंदर इसका जो कट हुआ है, देख सकते होंगे इसके अंदर जो इसकी पीस कट्ठा के अंदर जो है इसकी। जो आधी शाफ्ट की पीस है अंदर इसमें जो कट है, तो नेक्स्ट टाइम इस 12 साइज के बोल्ट को है 12 साइज के बोल्ट को खोलेंगे। तो फ्रेंड्स अब 12 साइज का बोल्ट जो है शॉर्ट में से खोलने के बाद जो है नेक्स्ट टाइम ऊपर को जो शाफ्ट है ऊपर को खींचना होगा। ऊपर देख सकते हैं बैटरी बॉक्स अब निकाल चुका हूँ। यहाँ पे आपको इसका जो कैप होता है इस कैप खोलना, आपको खोलने का जो शॉफ्ट है आपको शाफ्ट को ऊपर लेना होगा। ऊपर लेने से पहले आपको यहाँ पे एक ये देख सकते हैं 14 इंचज़ का एक बोल्ट है, इस बोल्ट को आपको खोल लेना होगा जो आपको यहाँ पे पकड़ेगा ये शाफ्ट। ये 14 इंचज़ का बोल्ट खोल के जो है इजी हम ऊपर को जो है शाफ्ट को खींचेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते होंगे इसका जो 14 इंचज़ का बोल्ट है आपको इस तरह का बोल्ट आएगा, देख सकते हैं बोल्ट में स्टफ है वहाँ पर कटिंग लगेगा।
शाफ्ट को मैंने जस्ट ऊपर को लिफ्ट करके यहाँ पे रखा हूँ, बस निकाला नहीं खुले। अब देख सकते हैं सारे गियर जो है न्यूट्रल पोजीशन में जो है बैठे हुए थे, देख सकते हैं एक्चुअल में ऐसा बैठेगा ये, हम सारे न्यूट्रल करके निकालें। बस मैं शाफ्ट को वहाँ से निकालने के लिए ऊपर किया हूँ, नेक्स्ट टाइम नीचे की तरफ दिखाएंगे। ये रही इसके शाफ्ट की एक पीस है, इसकी और एक पीस इकट्ठा के जो है अंदर है, ये जो खाली शिफ्टिंग में यहाँ पे शाफ्ट में बैठने के लिए एक पिन है इसकी जो है, फिर देख सकते हैं। ये रहा इसका एक और एक कठवा शाफ्ट है, देख सकते हैं आप। ये शाफ्ट को मैं इंस्टॉल करें, इसकी जो पिन और एक शाफ्ट की कट हुई है ये वाली पिन है, इधर इसकी जो बॉल्स एक बॉल्स आएगा आपको वो दिखाऊंगा, बॉल्स वहाँ पे बैठेगा वो, और अंदर कुछ नहीं है और कुछ पिसर गिसर सब कुछ डैमेज नहीं हुआ है अंदर। आप देख सकते हैं न्यू शाफ्ट डालने से पहले हम क्या करेंगे, इस 14 साइज के बोल्ट को भी खोलेंगे, क्योंकि जो बॉल्स है उधर ही बैठेगा शाफ्ट में बैठने के लिए। अब ये 12 साइज का और एक बोल्ट है, इस बोल्ट को खोलेंगे, इस बोल्ट को खोलने के बाद अच्छा न्यू शाफ्ट आने के बाद इंस्टॉल करेंगे हम। 14 साइज का नया शाफ्ट डालने से पहले जो है 14 साइज का बोल्ट है, इस बोल्ट को खोलेंगे, नया शाफ्ट डालने के बाद जो है हम बाद इस बॉल्स और जो बोल्ट है इस बोल्ट को इंस्टॉल करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं शाफ्ट को जो है बाहर निकाल चुका हूँ मैं, ये रहा इसका टूटा हुआ गियर लीवर शाफ्ट, देख सकते हैं इसका डैमेज होने की वजह से जो गाड़ी में है गियर की दिक्कत कर रही थी। अब एक्चुअली जो है इसका ऐसा अटैचिंग रहता कट होने की वजह से जो है गाड़ी में गियर की दिक्कत प्रॉब्लम हो रही थी, देख सकते हैं। नेक्स्ट डेज इसको शाफ्ट को जो है न्यू चेंज करेंगे हम, तो गाड़ी गियर की दिक्कत है वो प्रॉपर सॉल्व हो जाएगी इसमें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये रहा इसका न्यू शाफ्ट, देख सकते हैं ये इस तरह से आ गया कट होने की वजह से आपको गियर की दिक्कत कर रही थी। तो नेक्स्ट टाइम शाफ्ट है शाफ्ट को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद जो आपको हकीकी यहाँ की फिटिंग है आपको दिखाएंगे। फर्स्ट शाफ्ट को से डाल के जो है हम बोल्ट डालेंगे यहाँ पे, अंदर से बोल्ट आएगा, बोल्ट को सब दिखाएंगे हम, पहले इंस्टॉल कर देते हैं हम इसको शाफ्ट को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं शाफ्ट को मैंने अंदर की तरफ डाला हुआ हूँ, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप इसका जो शाफ्ट है ऐसे आया है, देख सकते हैं आप। ये नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे थे वो शाफ्ट के अंदर ये जो वाला शाफ्ट है देख सकते हैं, इस शाफ्ट को हमें बिठा के जो 12 साइज का जो उसमें थ्रेड दिख रहे हैं आप इसमें लॉक करके से इसमें जाके आपको 12 साइज का बोल्ट लॉक होएगा। फर्स्ट टाइम क्या करेंगे तो जो होल देख रहे हैं आप इस होल को वो शाफ्ट के होल में से शिफ्ट करना होगा, थोड़ा डालने दिक्कत है फिर भी ट्राई करके डालना होगा हमको, डालने के बाद जो है 12 साइज का बोल्ट आपको बाद यहाँ से 12 साइज का बोल्ट यहाँ से डालेंगे तो वहाँ पे इसी में जाके जो है शाफ्ट में लॉक होएगा। ये पहले हम क्या करेंगे इस होल में से जो है वो शाफ्ट को डालेंगे, डालने के बाद जो है शूट कर दूँगा आपको। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फर्स्ट जो अंदर का एक शाफ्ट होता है शाफ्ट को जो है बिठा चुका हूँ मैं, आप देख सकते हैं अंदर से बिठा के इसका जो है 12 साइज का बोल्ट डालना होगा आपको, काफ़ी थोड़ा मुश्किल ही है टाइम में, आप देख सकते हैं बिठा चुका हूँ इसको जो है। तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे तो और एक शाफ्ट है ऊपर का टॉप शाफ्ट है और एक शाफ्ट है, फर्स्ट आपको क्या करना होगा वो देख सकते हैं आपको। यहाँ पे फर्स्ट जो है इधर का 14 साइज का शाफ्ट आता है बोला हमें लॉकिंग करने के लिए जो है, फर्स्ट क्या करेंगे तो हम इसको बॉल्स डालेंगे, फर्स्ट जो है बॉल्स बाद स्प्रिंग और 14 साइज का ये रहा है बोल्ट, इसको अच्छे से हम लॉक करके टाइट कर देंगे। अब साउंड आप सुन सकते होंगे वो स्प्रिंग बॉल्स है आपको पकड़ पकड़ कर जो छोड़ता है, ये आप देख सकते होंगे आप जो स्प्रिंग बॉल है आपको एक एक गियर के लिए पकड़ना, जो स्लॉट बनाता है शाफ्ट में आपको वहाँ पे जो है
रॉड को पकड़ेगा, छोड़ेगा, आप देख सकते हैं जैसे न्यूट्रल ऐसा पोजिशन में आपको जो है लीवर बैठेगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जो स्प्रिंग बॉल से टक टक करके जो है वो जो है लॉक हो रहा है आपको। जो नेक्स्ट हम क्या करेंगे पे? इस शाफ्ट को ये जो आप देख रहे हैं इसमें, हाँ जी देख रहे हैं आप इसमें इसमें इसको इसके अंदर आपको डालना होगा, अंदर शिफ्ट करके जो है बाद ऊपर से आपको शाफ्ट डालेंगे, वहाँ से एक आपको 12 साइज का बोल्ट डालना पड़ेगा आपको। पहले से हम क्या करेंगे पे? सो उसको होल में मैच करके जो है बिठा देंगे, ऐसा शाफ्ट के अंदर डाल देंगे, आप डाल लेंगे जो ऊपर से आप शाफ्ट हमें ऊपर खोले थे, आज इसको इसके अंदर सेंटर करेंगे हम, इसको हम यहाँ पे डालेंगे ऊपर से शाफ्ट को हम ठेलेंगे यहाँ पे, इसके अंदर से जाएगा वहाँ से बाद दोबारा जो हम 12 साइज का जो बोल्ट है डालेंगे, जो डाल के जो है नेक्स्ट आपको दिखाऊंगा मैं। जो खोले से ट्रिप हमने ऊपर को शाफ्ट लिए थे, आप देख सकते हैं करेक्ट टाइम पर जो है नीट और पोजिशन से हम करेक्ट सेंटर करके उठा देंगे इसको, देख सकते हैं क्या चुका है। अब यहाँ पर जो है हमको सेंटर करना होगा, बोल्ट डालने के बाद जो ऊपर साइज का हमने बोल्ट खोला था शाफ्ट के यहाँ पे 14 साइज का, नहीं तो फर्स्ट उसको लॉक करेंगे हम इसको, नहीं तो आप देख सकते हैं साथ फर्स्ट क्या करेंगे उसको, तो बोल्ट डाल के जो है लॉक कर देंगे, ये रहा इसका 14 साइज का बोल्ट, इसका स्टप आके तो फिर अच्छे से स्पैनर से हम टाइट कर देंगे इस बोल्ट को। यहाँ से फिर आप देख सकते होंगे आप जो है इसको बोल्ट को अच्छे से टाइट करेंगे हम 12 साइज का, 12 नंबर की बिट लेके जो बोल्ट को टाइट करके जो नक्शम गियर के सारे गियर डाल के चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कंप्लीट इसके जो बोल्ट को जो टाइट कर चुका हूँ, ये भी कर चुका हूँ और यहाँ पर शाफ्ट का है 14 साइज का, ये भी कर चुका हूँ दोनों बोल्ट, और गियर लीवर देख सकते हैं मैंने बोल्ट डाल के सिर्फ ला के आऊँ गियर शिफ्ट करने के लिए। अभी यहाँ पे प्लेट व्लेट कुछ नहीं डाला, फर्स्ट हम क्या करेंगे गाड़ी के गियर्स चेक करेंगे, आप देख सकते हैं अभी कुछ कुछ बढ़ाया नहीं हुई, कुछ जस्ट 14 साइज का बोल्ट जो है ला के आऊँ, नेक्स्ट हम सारा गियर डाल एडजस्ट कर लेंगे। न्यूट्रल फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्रीवियस, फ्रेंड्स गियर बॉक्स में ऑयल नहीं है इसीलिए थोड़ा स्टक होते हैं ये, क्योंकि ऑयल डाल के गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो प्रॉपर हो जाएगी। फर्स्ट गियर चेक करने के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिवर्स न्यूट्रल। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे तो इसकी कंप्लीट फिटिंग है, फिटिंग कर देंगे गियर बॉक्स को, न्यू ऑयल है गियर बॉक्स को, न्यू ऑयल चेंज कर देंगे क्योंकि इसका ऑयल जो है काफ़ी जा चुका है, इसलिए चेंज कर देंगे गियर बॉक्स ऑयल। जो गियर बॉक्स है इधर से डाल के जो है हैंगर और ऊपर का कैप होता है ये, इस कैप को हल्का सा बांध डाल के जो है स्टोर कर देंगे। नेक्स्ट है यार हैंग की, तो फिर हैंग की भी जो प्लेट आएगी आपको प्लेट, इसको प्लेट को भी अंडा बांध डाल के जो है बिठा देंगे, क्लच केबल सब बिठा देंगे, नीचे गियर लीवर के नट हैं उसको नट को भी डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद जो है गियर हम और एक टाइम चेक करेंगे, आप देख सकते हैं इजीली सारे गियर जो है प्रॉपर पड़ रहे हैं इसमें, जो नेक्स्ट टाइम आएंगे कंप्लीट फिटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, बैटरी की गियर बॉक्स सब डाल चुका हूँ, जो नेक्स्ट टाइम गाड़ी को स्टार्ट करके जो गियर हैं गियर चेक करेंगे, आप देख सकते हैं क्लच और क्लच भी बिठा चुका हूँ वहाँ पर केबल, देख सकते हैं आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिवर्स, जो गियर है प्रॉपर हो चुके हैं इसके सारे गियर, इजीली पड़ रहे हैं इसमें।